तो कैसे आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है कैसे अपने फोन में दो व्हाट्सअप चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसके लिए आपको कोई भी क्लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होने वाली है, ना ही कोई अदर व्हाट्सअप को डाउनलोड करने की जरूरत होने वाली है। आप अपने व्हाट्सअप से ही सीधे दो व्हाट्सअप अपने फोन में चला सकते हो, ना ही आपको पहले वाले व्हाट्सअप को लॉग आउट करने की जरूरत होने वाली है। दोनों व्हाट्सअप आपके एक फोन में काम करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट्स कुछ पॉइंट है जिन्हें अगर आप इग्नोर कर दोगे तो ये ट्रिक काम नहीं करने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखो यार, चलिए फिर बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है। फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा एक ऐप्स करके, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डुअल ऐप, आपको इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको जिसका भी क्लोन एप्लीकेशन बनाना है यहाँ से आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप का बनाना है तो आप यहाँ से व्हाट्सअप पर इनेबल कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं आइकॉन एडिट टू होम स्क्रीन, अब हम होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। होम स्क्रीन पर स्लाइड करते हैं, स्लाइड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सअप का आइकॉन है, क्लोन एप्लीकेशन है, वो हमें यहाँ पर मिल गया। हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। और हमें आप जिस नंबर से व्हाट्सअप बनाना है हम यहाँ पर बना सकते हैं। हम तो जल्दी से नंबर डाल देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अभी हमारे पास ओटीपी भेजेगा, हमें यहाँ पर ओटीपी भी जल्दी से फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कोड आ गया है, हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो व्हाट्सअप है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, तो वीडियो को पूरा देखो यार, मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ के एक फोन में दो व्हाट्सअप कैसे काम करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखो यार, छोड़ के मत जाओ। कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है। जैसे आप करेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि रिस्टोर, अगर आपका न्यू है तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर अगर आपका पुराना है, आप चालू करना चाहते हैं, तो आपको ये रिस्टोर बोलेगा, आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको आपका नाम डाल देना, जो भी आपका नाम है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका व्हाट्सअप जो है चालू हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको अपने फोन में मेरा जो पर्सनल व्हाट्सअप चल रहा है इसी फोन में मैं उस पर मैसेज आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने पर्सनल वाले व्हाट्सअप पर मैसेज कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हाय, ये मेरा सेंड हो गया। और आप देख सकते हैं मेरे पर्सनल वाले व्हाट्सअप पर जो है SMS आ चुका है। ये मेरा क्लोन था और ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप था, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे को हाय आ चुका है। तो आप देख सकते हैं मैं एक फोन में दो व्हाट्सअप चला रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को कोई भी क्लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं हुई है। यहाँ पर मैं सिंपल सा जो है एक फोन में दो व्हाट्सअप चला रहा हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मुझे वीडियो कैसी लगी है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।